नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर एक पिता ने रात में सोते समय अपने चार बच्चों पर कैंची से हमला कर दिया और चारों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है और तीन की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका काशीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पिता हमला करने के बाद फरार हो गया है। निर्मलपुर गाँव में एक पिता ने कल रात अपने बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई और शेष तीन बच्चे घायल हैं, जिसमें दो की स्थिति खतरे के बाहर है और एक को ऑपरेट किया जा रहा है और उनका पूरा इलाज कराया जा रहा है। अच्छी से अच्छा इलाज के लिए उनको बताया गया है और जो मेन कल्प्रिट उसका फादर है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। सर, जो अभी आपने बताया कि तीन बच्चे उसमें एडमिट हैं, तो सर क्या दो बच्चे खतरे से बाहर हैं, एक की हालत गंभीर बताइए, तो क्या उसके पिता की गिरफ्तारी की गई है? अभी उसका पिता भागा हुआ है, हमारी दो टीम लगी हुई है थाने की और जल्दी उसको अरेस्ट किया जाएगा।